दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरवा तुरई बनाने की बहुत ही बढ़िया और सिंपल से रेसिपी। एकदम नई तरीके से मैंने इसे ट्राई किया है। तो मैंने तुरई ली है, इसका सबसे पहले हम उसके ऊपर का छिलका इस तरह से उतार देते हैं। उसके बाद मीडियम साइज का हम इसको टुकड़े काट देंगे, देखिए इस तरह से। अब इन टुकड़ों में बीच में हम एक चीरा लगा लेंगे ताकि हम इसमें अच्छे से मसाला फिल करें। तो बीच तक ही चीरा लगाना, इस तरह से दो टुकड़े ना हो जाए, बस मसाला फिल करने के लिए हम इसमें चीरा लगा देंगे। अब मसाला लेंगे, उसके लिए एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर और एक चम्मच हम डालेंगे इसमें अमचूर का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा टाइट पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हम फिल कर सके इस तरह का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब तुरई को इस तरह से आप ओपन कर लें और उसके अंदर इस तरह से मसाला फिल कर दें, साइड में भी अच्छे से इसे फिल करके पैक कर दें। तो इस तरह से हम मसाला एक एक करके सारी तुरई में फिल कर देंगे। मसाला पूरी तरह से लग चुका है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मसाला हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको हम साइड में इकट्ठा करके रख लेंगे, इसे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब पैन में मैंने एक टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब जो हमारी तुरई है, सबसे पहले इस तुरई को हम फ्राई करेंगे। मीडियम से लो आंच पे ही हम इसे फ्राई करेंगे, हल्के हाथों से इसे बीच बीच में चलाते रहें। 2 से 3 मिनट पकने के बाद आप इसे फ्लिप कर दें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। एक बार थोड़ी सी हमारी तुरई फ्राई हो जाए, 2 मिनट के लिए ढक के भी रख सकते हैं। देखिए तुरई हमारी थोड़ी ऑलमोस्ट हाफ फ्राई हो चुकी है। तो हमारा जो बचा हुआ मसाला था उसमें हम पानी ऐड करेंगे 1/2 कप, और वो पानी का जो घोल है वो हम इसमें डाल देंगे। अब जो नया मसाला हमने डाला है उसे भी अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा मसाला भूनने में। देखिए मसाला भून के बिल्कुल तैयार है। अब ये जो तुरई है हम इसे बाहर निकाल लेंगे। मसाला हम इसी तरह से पैन में ही रहने देंगे, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करेंगे। 1/4 कप पानी हमने ऐड किया है, उसे अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसमें 1/2 कप फेटा हुआ दही डालेंगे। दोस्तों इस समय आपका जो गैस का आँच है वो बिल्कुल धीमी रहनी चाहिए। देखिए गलती से मैंने धीमी करना भूल गई थी, तो मेरा दही जो है थोड़ा सा फट गया है। तो आप उसको धीमी ज़रूर करिएगा और बराबर चलाते रहें ताकि दही फटे ना। उसके बाद आप उसमें तुरई ऐड कर दें, हल्के हाथों से इसे मिक्स करें, कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और हमारी तुरई जो है वो बिल्कुल बनके तैयार है। ये बिल्कुल नई रेसिपी है और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हमने बनाई है, वो बहुत ही टेस्टी है। चपाती चावल दोनों में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। तो एक बार आप इसे बना के देखें, खट्टी मीठी अच्छी सी बहुत ही बढ़िया टेस्टी तुरई की सब्जी बनके तैयार हो गई। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखें और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।